नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज मैं आपको लेकर आई हूँ हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम में। इस आश्रम में आपको तरह तरह की गायें दिखाई देंगी और सिर्फ गायें नहीं, उनके गौ पालक भी होंगे। क्यों लेकर आई हूँ मैं आपको यहाँ, ये मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लीजिए इस गौशाला की एक झलक। हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम। गौ संवर्धन के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे गायों का यानी गायों का संवर्धन होता है, यहाँ पे इनका संरक्षण किया जाता है और किस तरीके से इनका लालन पालन किया जाता है वो आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं। अभी अभी इनको यहाँ हरा चारा दिया गया है और इनकी जो देखभाल है उसका भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। इनके पास अगर ये बीमार हो जाती है, अगर इन्हें कोई बीमारी लग जाती है, ये किसी भी तरह की इन्हें कोई परेशानी होती है तो 24 घंटे इस गौशाला में डॉक्टर्स रहते हैं और यही रहकर इन गायों की मदद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे भी हमारे दोनों तरफ इतनी सारी गायें हैं और यहाँ पे लगभग 150 गायें हैं जिसमें गिर, साहिवाल, राठी नस्ल की गायें आपको मिलेगी। देखिए, गौ एक बहुत ही शांत पशु होता है और इससे सिर्फ इंसान बिजनेस ही नहीं, इनको पाल कर इनकी रक्षा करके हम आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले युग के जो बच्चे हैं उनको भी ये सलाह दे सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा का सबक बन सकते हैं कि गायों का संरक्षण करना इस दुनिया में कितना जरूरी है। हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम के जो संस्थापक हैं वो है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार ने अपना आधा जीवन इस गौशाला से ही शुरू कर दिया था। यहीं पर वो अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं इन गायों के बीच में। आपको बता दें कि नरेंद्र कुमार जी ने सिर्फ महज 5 गायों के साथ इस गौशाला का निर्माण किया था। इस गौशाला में 5 गायों को उन्होंने रखा था, लेकिन आज आप मेरे आसपास देख सकते हैं लगभग 150 गाय यहाँ पे उनका संरक्षण किया जाता है। A2 गिरगांव मिल्क उनसे प्राप्त किया जाता है जो कि बहुत शुद्ध होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इन गायों का लालन पालन भी बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर आपका भी मन है इस तरीके की गौशाला खोलने का या ये देखने का कि इस गौशाला में किस तरीके का काम होता है, किस तरीके से इनको रखा जाता है, तो एक बार मेरे कहने से ही सही आप इस गौशाला में जरूर आइए। आपको मैं बता दूं, इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ पे आगे आप देखेंगे, मैं आपको पीछे की तरफ दिखा दूं कि यहाँ पे हाइड्रोपोनिक खेती भी की जाती है। एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक का फार्म लगाया हुआ है जहाँ पे हाइड्रोपोनिक खेती जो की जाती है यहाँ पे, और जिससे भी बहुत फायदा होता है और इससे गायों के दूध को ही नहीं बल्कि उनका घी और दही भी यहाँ से प्राप्त किया जाता है जो कि बहुत ही शुद्ध है। नरेंद्र कुमार जी ने अपना जो समय है वो काफी यहाँ पर दिया है। कितने समय से वो यहाँ पे हैं और कितनी बड़ी गौशाला आज उन्होंने खड़ी कर दी है। ये सिर्फ गायों को पालने का काम नहीं है, उनके संरक्षण का काम है और उनके संरक्षण का काम कितनी अच्छे तरीके से किया जा रहा है वो आप मेरे चारों तरफ देख ही सकते हैं। हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम सिर्फ गायों का संरक्षण नहीं करती है बल्कि उन्हें पालती है और आने वाली जनरेशन को ये बताती है कि हमारे जीवन में गाय का कितना महत्व है। जहाँ पे हिंदू सभ्यता में गायों को पूजा जाता है और कोई भी अगर शुभ काम होता है तो गायों को कुछ ना कुछ खिलाकर उस शुभ काम की शुरुआत की जाती है, तो नरेंद्र कुमार जी ने तो अपना सपना पूरा कर लिया और इसी तरह से वो आगे भी लोगों को जागरूक करते रहे हैं और हमेशा ही एक अच्छा संदेश लोगों को देते आए हैं। जैसा कि हमने आपको इस गौशाला के बारे में बताया, इस आश्रम के बारे में बताया, और अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे गिर, साहिवाल और राठी गायें शामिल हैं यहाँ पे और इतनी अच्छी तरीके से इनकी देखभाल होती है कि आप देख सकते हैं कि गाय कितनी सुंदर और हृष्ट पुष्ट लग रही है। वो इसीलिए क्योंकि इन्हें दिया जाता है हरा ताजा चारा, इन्हें बासी चारा नहीं दिया जाता है और दूसरी गायों की तरह इनकी देखरेख है वो नहीं की जाती है। इनकी देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है, हरा चारा इनको दिया जाता है और इस आश्रम में इनका इतना अच्छे से ध्यान रखा जाता है जहां आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
तो एक बार आप इस आश्रम में यानी कि इस गौशाला में जरूर आएं और देखें कि किस तरीके से गायों की रक्षा की जा रही है। आज जहां बूचर खाने इतने हैं कि गायों को कत्ल कर दिया जाता है, गायों का कत्ल हो जाता है, उन्हें काटने के लिए लेकर जाया जाता है। लेकिन यहाँ इस आश्रम में नरेंद्र कुमार जी की देखरेख में इन गायों का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। हिंद राइज गौ संवर्धन आश्रम यही इसकी एक यही पहल है कि गायों की देखभाल, गायों का संरक्षण और गायों का संवर्धन बड़े ही अच्छी तरीके से करना है और गायों को बचाना है। इस गौशाला का, इस आश्रम का यही एक मकसद है। तो इस गौशाला की जब नींव पड़ी थी तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जो आश्रम है वो कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा। महज 5 गायों के साथ चला था ये आश्रम और आज यहाँ लगभग 150 गायें रहती हैं और इतने अच्छी तरीके से रखा जाता है उन्हें कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज हमने आपको बताया कि हिंद राइज गौ संवर्धन आश्रम में किस तरीके से गायों को रखा जा रहा है और किस तरीके से उनका पालन पोषण किया जा रहा है। एक बार आप इस गौशाला में जरूर आइए और देखिए कि किस तरीके से आपकी गौ माता का ध्यान हमने रखा है। नमस्कार।